रतनगढ़ चुरू लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट मिलने के बाद पहली बार रतनगढ़ आए पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में उनके निवास पर हुए स्वागत कार्यक्रम में झाझड़िया ने कहा कि भाजपा ने जो विश्वास उन पर जताया है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है और पुनः विश्वगुरु होने का गौरव हासिल किया है। ऐसे नेतृत्व में देश उन्नति कर रहा है तो हम सबका दायित्व है कि हम भी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करें। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि किसान का बेटा ही किसान का दर्द समझ सकता है। कुछ लोग हमें बरगलाने का काम करेंगे लेकिन हमें उनकी बातों में नहीं आना। इसके पश्चात झाझड़िया ने देवदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, बजरंग गुर्जर, स्वरूप सिंह सेहला, सुशील इंदौरिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज चूरू लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी ने चूरू लोकसभा में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में देव दर्शन कार्यक्रम के तहत सुबह से सभी भगवान के मंदिरों में अपना माथा टेका है, भगवान से आशीर्वाद लिया है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, व्यापारी लोग, सभी आम जन ने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन किया है। भगवान भोलेनाथ ने भी बहुत आशीर्वाद दिया है कि चूरू लोकसभा के लिए किसान के बेटे को चुना उन्होंने। एक नॉर्मल फैमिली से कोई व्यक्ति आया है जिनके कभी परिवार में सरपंच या पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा। इसका मतलब ये साफ होता है कि वो जो विजन है हमारा 2047 विकसित भारत, उसका जो सपना, उस सपने को ऐसे लोग साकार करेंगे जिन्होंने देश के लिए समर्पित भाव से काम किया है। मैंने लास्ट 20-22 साल में इस देश के लिए ढेरों मेडल जीते हैं।